गोवर्धन में किराना व्यापारी को घर में धमकी भरा पत्र देकर 31 लाख व 50 ग्राम सोने की मांग की। डैश धमकी देने वाली युवा की फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। गोवर्धन बरसाना रोड के समीप विष्णु बिहार कॉलोनी में रहने वाले किराना व्यापारी को अज्ञात युवक द्वारा धमकी भरा पत्र देकर 31 लाख व 50 ग्राम सोने की मांग को लेकर व्यापारियों में दहशत पैदा हो गई है। युवक धमकी भरे पत्र को रखते हुए सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में मुंह ढके दिखाई दे रहा है। पुलिस ने व्यापारी की तहरीर पर चौथ वसूली का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाने में बृहस्पतिवार दर्ज रिपोर्ट में किराना व्यापारी विष्णु कुमार अग्रवाल पुत्र रामबाबू अग्रवाल ने बताया कि 20 जुलाई को सुबह करीब 6 बजे टहलते हुए घर के गेट पर पहुंचा तो कागज रखा हुआ मिला। उसके खोलने पर विस्मल्ला कसाई के नाम से धमकी भरा पत्र मिला। पत्र में व्यापारी व व्यापारी के दामाद हिमांशु को 31 लाख रुपए व 50 ग्राम सोना 20 की शाम 6 बजे तक राधा वैली के सामने खड़े बिना नंबर के आयाटो में मिलने वाले व्यक्ति को पहुंचाने की बात लिखी गई है। ऐसा न करने की सूरत में पुत्र व दामाद की हत्या करने की धमकी लिखी हुई है। सीसीटीवी फुटेज को देखने पर मुंह ढका हुआ सुबह उसी दिन जल्दी सुबह करीब 3 बजे पत्र रखता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रभारी निरीक्षक लोकेश सिंह भाटी ने बताया कि तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजू लाला ने बताया कि धमकी भरे पत्र वाले मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भी व्यापारी सुरक्षा के लिए मिल चुके हैं। धमकी देने वाले पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। किराना व्यवसायी है विष्णु अग्रवाल, उनको एक धमकी भरा पत्र 20 तारीख को और सुबह जब वो 6 बजे अपने नित्य कर्म क्रिया से बाहर निकल रहे थे तो उनको एक पत्र मिला और उसमें 31 लाख रुपए और 50 ग्राम सोने की मांग की गई है पत्र में। और पत्र मिलने के बाद और हमको जब जानकारी हुई तो हम सभी लोग इनके साथ में है एसएसपी महोदय के पास गए और एसएसपी महोदय ने आश्वासन दिया कि जल्दी ही इसका खुलासा किया जाएगा और थाना गोवर्धन के लिए प्रेरित किया। उसके बाद थाना गोवर्धन से लोकेश भाटी जी और अपनी पूरी टीम के साथ में घटनास्थल का उन्होंने मुआयना किया है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि मैं पूरा प्रयास करूंगा इसको खोलने के। लेकिन हमारे व्यापारी समाज में इस समय एक भय का माहौल बना हुआ है। लोग अपना कारोबार करते हैं, बड़े प्रेम से कारोबार कर रहे थे, लेकिन ये बीच में ये घटना से एकदम लोगों में परेशानी खड़ी हो गई है। मैं अपने घर से बाहर निकला अखबार लेने के लिए 6 बजे, तो बस को अपने गेट के अंदर एक कागज मिला। कागज मैंने पढ़ के देखा तो उसमें धमकी भरा पत्र लिखा हुआ था, उसमें 31 लाख रुपए 50 ग्राम सोने की मांग की थी। बिस्मिल्ला कसाई का उसका नाम था। मैं उसको देख कर डर गया, भयभीत हो गया, तो मैंने अपने दामाद को फ़ोन किया और दामाद घर पर आए तो उसको ले गए गाड़ी में बैठा के मथुरा एसएसपी के साथ ऐसे हिसाब से मिला। उन्होंने मेरी पूरी कहानी घटना की ली, मैंने उनको उनको वो पत्र उनको दिया। उन्होंने गोवर्धन कस्बा इंचार्ज को फोन पर उनमें बात की तो उनको उसको गोवर्धन उन्होंने भेज दिया। मैं गोवर्धन आके उनके हिसाब से मिला, उन्होंने फिर मेरे साथ जाकर मैं घर की सर्वे की। उसके बाद में मेरी कोई सुनवाई हुई नहीं है। धमकी वाले पत्र से मैं बड़ा परेशान हूँ, बड़ा भयभीत हूँ। काम धंधे का मेरा कोई मन नहीं लग रहा है बिल्कुल, बहुत डरपा हुआ।